नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य किस प्रकार बनाए जाते हैं। साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने वाले प्रश्न मध्य प्रदेश की बोर्ड व लोकल परीक्षाओं में, CBSE की बोर्ड व लोकल परीक्षाओं में व प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, आप इसे नोट भी करते जाइएगा। साधारण वाक्य किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तो जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है, जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है या फिर जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उन्हें हम कहते हैं साधारण वाक्य। अब हम देखते हैं संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। जब दो वाक्य आपस में समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जुड़े हों, यानी कि जब दो वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा आपस में जुड़े हुए हों उन्हें हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। समुच्चय बोधक शब्द किसे कहते हैं? देखिए, और, इसलिए, किंतु, परंतु, तथा, जिससे, अथवा, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? समुच्चय बोधक होते हैं, जो दो वाक्यों को या फिर दो शब्दों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। तो साधारण वाक्य में सिर्फ एक वाक्य होता है, जबकि संयुक्त वाक्य में दो वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं। तो हम देखते हैं उदाहरण, यहां पर देखिए पहला है बालक रो रो कर चुप हो गया। कितने बालक है इसमें? एक बालक है। और देखिए क्रिया कितनी है? एक ही क्रिया हो रही है इसमें। कितनी क्रिया हो रही है? एक ही क्रिया हो रही है। अब जब हम इसे संयुक्त वाक्य में बनाएंगे क्या होगा? बालक रोता रहा और चुप हो गया। तो देखिए और ने दो वाक्यों को आपस में जोड़ दिया है। दो वाक्य कौन सा हुआ है? बालक रोता रहा, ये एक वाक्य है। दूसरा क्या है? बालक चुप हो गया, ये दूसरा वाक्य था। इन दोनों वाक्यों को घनिष्ठता के साथ समुच्चय बोधक शब्द ने आकर जोड़ दिया है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। दूसरा हम देखते हैं उसने घर आकर भोजन किया। देखते हैं इधर, वह घर आया और उसने भोजन किया। तो देखिए समुच्चय बोधक शब्द ने दो वाक्यों को जोड़ दिया है, यानी कि जब आपसे पूछा जाए साधारण वाक्य को संयुक्त वाक्य में रूपांतरित कीजिए तो आपको दो वाक्यों का प्रयोग करना है, दो वाक्य यहाँ पर बनाने हैं और दोनों वाक्यों को समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ना है। फिर अगला, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। उसे फल खरीदने थे, ये पहला वाक्य हो गया। वह बाजार गया, ये दूसरा वाक्य हो गया। परंतु इन दोनों वाक्यों को कैसे जोड़ दिया हमने? समुच्चय बोधक से। तो क्या हो गया ये? उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। अब चौथा देखते हैं, आप द्वार पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करें। कितनी क्रिया है? एक। अब देखते हैं, आप द्वार पर बैठें और उसकी प्रतीक्षा करें। तो देखिए और ने दो वाक्यों को आपस में जोड़ दिया। सूर्योदय होने पर पक्षी चहचहाने लगे। कितनी क्रिया हो रही है? एक क्रिया हो रही है। अब इसको हम कितने वाक्यों में बांटेंगे? दो वाक्यों में। सूर्योदय हुआ, पक्षी चहचहाने लगे, ये दो वाक्य हो गए, परंतु इनको हमें समुच्चय बोधक के द्वारा जोड़ना है। सूर्योदय हुआ तथा पक्षी चहचहाने लगे। देखिए इस शब्द ने दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ दिया, घनिष्ठ संबंध बना दिया दोनों का। कठोर बनकर भी सहृदय बनो। इसका जब हम संयुक्त वाक्य बनाएंगे क्या बनेगा? कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। फिर परंतु ने क्या कर दिया? दो वाक्यों को आपस में जोड़ दिया है। अब ये आपको बनाना है और मुझे कमेंट्स में लिखकर भेजना है इसका शुद्ध रूप क्या होगा, वाला संयुक्त वाक्य क्या होगा। रात को आकाश में तारों का मेला लग गया।
इस वाक्य को आपको कायम बनाना है संयुक्त वाक्य में और मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो समझ में आया या नहीं। धन्यवाद।